एवरीवन, सवेरे दोस्त कैसे, सवेरे प्यारे प्यारे भाई कैसे हैं। भाइयों, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। बहुत से लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि यार हसन भाई, आप संडे के दिन अंडे क्यों रखते हैं? उसका भी एक रीजन है संडे के दिन अंडे रखने का। तो कुछ वजह यूं बनती है संडे के दिन अंडे रखने की कि जब मैं संडे को अंडे रखता हूँ ना, ये वीडियो वैसे आएगी पीर या मंगल को आ जाएगी, शायद बुध वाले दिन आए। तो संडे को जब मैं अंडे रखता हूँ तो संडे को ही हैच होता है मेरा, तो मैं घर पे होता हूँ सुबह सुबह, जब बच्चे निकल रहे होते हैं तो उनको मैं संभाल लेता हूँ, उनको मैं इजीली जो उस फ्लैशिंग वगैरह करनी होती, जो वैक्सीन करनी होती है, वो मैं साथ ही कर लेता हूँ। बहरहाल मैं बताता चलूँ कि आज भी मैं अंडे यहाँ पे लेने के लिए आया था, और यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हीटर वगैरह है, कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं लगाई। मैं छोटा सा एक रिव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, ये बल्ब लगाया हुआ है 200 पावर का, और ये तकरीबन 7x7 8x8 का केज होगा तकरीबन। यहाँ पर करेगा कैमरा थोड़ा सा प्लीज, ये देखें यहाँ पर बल्ब लगा हुआ, और थोड़ा सा कैमरा नीचे लाएंगे ना, बर्ड्स भी नजर आ जाएंगे। दिखाएं मुझे, दिखाएं, ये देखें, ये मेल हमारा माशाल्लाह लैकन वेल्डर का, और वहां पे एक फीमेल एग ले करने के लिए बैठी हुई है, एक फीमेल यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। ये जो कवर किया हुआ है ये कोई बहुत ज्यादा फिटिंग नहीं इसकी की हुई है, बस साथ चिपका ही हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब कहते ना कस के बिल्कुल ही बांध देते हैं। तो वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है, मैं उस केस में जाकर दिखाता हूँ वेंटिलेशन के लिए मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे इसको फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, मैं इसको बंद कर दूं। अयाम सुमानी का मेल है, वो हमजा भाई की तरफ हमने रखा हुआ है, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ उसकी मेडिकेशन करनी थी इसलिए लेके आए थे। मैं दरवाजा बंद कर दी, खुदा ना खास्ता वो दूसरे मुर्गे के साथ लग ना जाए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने हैमबर्ग जो रखे हुए, तो मुझे लग रहा है मेरी जो दूसरी फीमेल्स है ना हैमबर्ग्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आज ये दूसरी जो मेरी फीमेल है ना हैमबर्ग की, ये भी अंडा देगी। यहाँ पर भी यही सीन है, सेम टू सेम। आगे चलता हूँ अगले केज में, यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा कवर रेडी है, लेकिन अब मसला ये आ जाता है कि हम लोगों को डे लाइट देनी है, अगर डे लाइट नहीं होगी तो आपकी प्रोटेक्शन कम होने लग जाएगी। और अगर आप 17 घंटे से ज्यादा लाइट देते हैं इनको, या सूरज की किरणों टाइप को चीज देते हैं, तो जो इसकी नाड़ें हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती हैं, मतलब वो उसकी सारी नमी जो है ना रोशनी खींच लेती है, जिसकी वजह से एग बाइंडिंग होने का खतरा होता है आपके बर्ड को। या आपका बर्ड ज्यादा भाग नहीं रहा तब भी एग बाइंडिंग होने का खतरा होता है, लेकिन एक ये भी रीजन बनता है कि एक्स्ट्रा डे लाइट की वजह से आपके बर्ड्स को एग बाइंडिंग हो सकती है। आज मैं आपको आगे दिखाता हूँ, अच्छा ये जो केज है ये हमारे शामूस का केज है, तो ये मैं पहले भी वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए अगर आप देखें ऊपर वाली साइड पे, इसको इस तरह से करें, तो इनको मैंने बंद नहीं किया, यहाँ से ओपन है, और रात को सर्दी वगैरह जो है एकदम बराबर जैसे भी आती है ना वो आती है, तो इनको मैंने कवर नहीं किया। और बर्ड माशाल्लाह, नीचे करके दिखाएं थोड़ा सा, तो आप माशाल्लाह से यहाँ पे बर्ड देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव फिर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे फीमेल लेइंग करने के लिए बैठी हुई है, करने के लिए बैठी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एक फीमेल लेइंग करने के लिए बैठी हुई है, आए मैं अब आपको एग्स की प्रोटेक्शन दिखाता हूँ, जो कि मेरे पास तकरीबन 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर कह सकते हैं जो प्रोटेक्शन हुई है मेरे पास। हालांकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम जो है 40-45 राउंड अबाउट होंगे, मिनिमम 40 होंगे, मैक्सिमम 45 होंगे। अच्छा, जो प्रोटेक्शन की बात है वो ये है कि अगर मैं अभी 7 से 8 दिन तक अंडे बाहर भी रख दूं तो उनको कोई मसला नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि अभी 27 से नीचे टेम्परेचर है, जब 27 या 30+ टेम्परेचर चला जाता है तो अंडे जो है वो चल पड़ते हैं, दिन की धूप जब निकलती है वो आपके अंडे 2 घंटे के अंदर चल पड़ते हैं, और रात को जब दोबारा ठंडक हो जाती है तब आपके अंडे दोबारा से रुक जाते हैं, जिसकी वजह से डेड इन शेल कह सकते हैं या अनफर्टाइल कह सकते हैं, काफी सारे रीजन हो सकते हैं इसके अंदर। तो अंडों की जो आपके बच्चे नहीं निकलते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते, उसके ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो सीरियसली आपको नॉलेज काफी ज्यादा मिलेगी, आपको मजा भी आएगा वो वीडियो देखने का। बहरहाल अभी प्रोटेक्शन देखते हैं क्या बनी है। अच्छा, ये मैं एक कार्टन ले लेता हूँ जिसके अंदर मैंने एग्स को पैक करना है, और घर जाके इंक्यूबेटर में रखूंगा मैं। इंक्यूबेटर मैंने लगाया हुआ घर पे, उसकी वजह ये है कि वहां पर कोई ना कोई होता है, यहाँ पर एक आधा बंदा होता है जो कि प्रॉपर हर टाइम ध्यान नहीं रख सकता, वहां पे आता जाता कोई ना कोई देखता रहता है उसको, तो वहां पे मुझे ज्यादा मुनासिब लगा यहाँ की, यहाँ पे लगाने से। अभी घर मेरा यहाँ से 18 किलोमीटर तकरीबन दूर है मेरे फार्म से, तो आप लोगों ने जिस तरीके से लेके जाना है ना एग्स को, कोशिश ये करनी है कि आपके एग्स जो है ना वो अनफट हिले ना, हिलने की वजह से सर्दी फट जाती है,
मसला हो जाता है इस तरह का कोई ना कोई, तो अंडे जो है ना आपके घर जाते जाते हिलने हिलने नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ी सी पराली का इस्तेमाल कर लेता हूँ या फिर तूड़ी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जिससे वो अंडे जो है मेरे सेफ रहते हैं घर जाने तक। अभी इनको जो है ना बड़ी मौज मिली हुई है इस कमरे के अंदर, कोई आपको यहाँ पर हीट के लिए बल्ब नहीं नजर आएगा। यहाँ से बिल्कुल जो है ना पीछे से बैक साइड से ठंडी हवा आती है, ये केज की बिल्कुल बैक साइड पे ना ओपन, बिल्कुल ओपन है पीछे से। तो यहाँ पर अगर आप रूम के अंदर आगे देखें, थोड़ा सा आगे आए प्लीज जरा, अगर रूम के अंदर देखें तो यहाँ पर पराली बिछाई हुई है, पूरा प्रॉपर पराली बिछाई हुई है यहाँ पे। ये रूम में अगर आप देखें तो प्रॉपर आपको पराली नजर आएगी, जिसकी वजह से जिसके चलते हुए यहाँ पर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। बर्ड्स जो है ना आपके बिल्कुल सेफ रहते हैं, इनकी इनकी टांगे ठंडी नहीं होती। असल में बीमार कैसे होते हैं कि जब आप ठंडी जगह पर रख देते हैं या गीली जगह पर रख देते हैं, नीचे जब इनके पांव जमीन पर रखते हैं ना, वहां से सर्दी चढ़ती है इनके पैरों से, उनके फेफड़े जो है ना वो उनको काला कर देते हैं, इनकी कलगी काली होने लग जाएगी। जब आपके बर्ड की कलगी काली होना, आप समझ जाए कि यार आपका बर्ड या तो स्ट्रेस में चला गया है या फिर वो जा रहा है, उसको जो है ना उसके सीने पे हवा लग गई है, पसलियों में दर्द हो रही है, उसकी बखियां च पीड़ होती है ना, ठंड लग रही है, तो वही सीन इनके साथ होता है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि नीचे से जो है ना जगह ना गीली हो ना ठंडी हो, नीचे से जगह सुकून वाली हो। अगर वो जमीन पे बैठते भी हैं तो इनके परों की हीट की वजह से ये सारा जो है ना कवर कर लेते हैं, सर्दी सुर्दी खत्म हो जाती है। इतनी पराली मेरा ख्याल काफी होगी, बल्कि ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा पराली है, इसमें बच तो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल जो है ना सेफली लेके जाना है एक्स को, हम लोगों ने बिल्कुल सेफली एक्स को लेके जाना है, इसलिए थोड़ी सी पराली ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके ना पहले मैं एक चादर बिछाऊंगा इसकी, नीचे एक लेयर लगाऊंगा और उसके बाद उसके ऊपर एक्स रखूंगा, फिर एक लेयर लगाऊंगा उसके ऊपर फिर एक्स रखूंगा। तो पहले तो मैं इसको इस तरह अच्छी तरह मरोड़ करोड़ लूंगा, अच्छा पहले तो इसको मैं मरोड़ तोड़ लूंगा। ये देखें पराली इसके अंदर बिछा देनी है आपने पहले अच्छे से, ये अंदर से दिखाओ जरा। ये देखें ये अच्छे से बिछ गई है पराली, अब मैं अंडे लेके आता हूँ। ये देखें ये एग्स में ले आया हूँ, और ये जो है ना जिसके ऊपर वी डॉट लिखा हुआ ये निशानी है, ये वाइन डॉट लार्ज जो हमारे पास बड़े साइज के हैं उनका अंडा है वी डॉट, और सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा वी डॉट ये है। थर्ड नंबर पे एस मतलब के शामू, शायद आपको टू नजर आ रहा हो, इसके अंदर उल्टा नजर आता है और कुछ लिखा भी इसी स्टाइल से ही हुआ है, तो ये शामू का बहरहाल बताते चलूं मैं आपको। ये वेल्डर्क है और ये हैमबर्ग है, ये देखें ये हैमबर्ग, और ये जो क्रॉस लगा हुआ है ना आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सारे क्रॉस लगाए हुए हैं। क्रॉस लगाने की वजह ये है कि समझने वाली बात है, ये थाई क्रॉस का है, एग थाई क्रॉस का। तो इनको मैं रखता हूं आगे, ये एग्स आगे हमारे, ये हमारा बॉक्स है और इसके अंदर बड़े एहतियात से जो है ना अंडे रखने हैं। और एक और चीज बताते चलो, जब भी आपने अंडे ट्रे के अंदर रखने, नोक वाली साइड आपने हमेशा अंडों की नीचे रखनी है, उसकी वजह यह है कि आपके अंडे सेफ रहेंगे। तो इसके अंदर भी नोक वाली साइड नीचे ही रखूंगा वन बाय वन,
अंडे माशाल्लाह से 45 तकरीबन हो गए हैं, एक अंडा कम है, मुर्गी देने बैठी हुई है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे। और हमजा ने ना असल में वीडियो को बंद कर दिया, फिर कहता भाई गल तो हो गया है। मैं कहा हूं जो हो गया ना वो हो गया, जान दे। तो यार मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कुछ पूछना चाहते हो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बाकी अपने दोस्तों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो। हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।